देखो खुशियाँ चाय पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ चाय पंच कल्याण के आया रे देखो खुशियाँ चाय तीजा कल्याण के तप का है आया तीजा कल्याण के तप का है आया देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ है छाई छठा महोत्सव अभिषेक आया प्रभु जी पे कलश ढुलाओ रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ है छाई वर्धमान सागर जी का संग वर्धमान सागर जी का संग है आया वर्धमान सागर जी का संग है आया वीर प्रभु ने बुलाया रे देखो खुशियाँ है छाई वीर प्रभु ने बुलाया रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण के आया रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण के आया रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ है छाई पंच कल्याण आया रे देखो खुशियाँ है छाई अरे रोटियां थोड़ी बना रही है जो वंश मोर कर रहे हो भाई कवालियां गा रही हैं जोरदार तालियां बजाएं एक बार समझ में ये नहीं आया कि ये तैयारियां इन्होंने कब की बाकी सब तो ठीक है लिखा भी होगा गाया भी होगा प्रैक्टिस भी की होगी एक बार जोरदार तालियां इन सबके सम्मान में होनी चाहिए बंधु अब हम उस तरफ चल रहे हैं जहां से केवल और केवल एक ही आवाज सुनने को आती है
जो आज हमारे पूरे जैन जगत में भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। वो हैं हमारे अपने टिकमगढ़ के रुपेश जैन। कृपया जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। मैं उनको आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं हमारे खंडवा के प्रदीप भाई छाबड़ा से अनुरोध करूंगा, कृपया वो यहां मंच पर आए और भूमिका यहां पर बनाएं, जिससे कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। भाई प्रदीप छाबड़ा, खंडवा। हेलो 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 पहले बैलेंसिंग करवा लीजिए। हेलो 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 चक्रवर्ती की सेना चली, ओ चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, जय जय महाराज, जय जय महाराज चली, चक्रवर्ती की सेना चली, जय जय महाराज, जय जय महाराज। साथ में कुबेर इंद्रदानी भी अपने आसन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हे दिग्विजय का भाव है, दिग्विजय का भाव है, भक्ति भाव साथ है, भक्ति भाव साथ है, हे दिग्विजय का भाव है, दिग्विजय। ओ जय जय महाराज। मलजी पाटनी साहब यहाँ पधारे हैं, वो है मंच पर साई राई साई सम्मान के दोनों जोड़े के साथ आएंगे। यहाँ सभी लोग तालियां बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ओ स्वागतम स्वागतम स्वागत, ओ आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, ओ स्वागतम स्वागतम। अयोध्या नगरी में आए थे तो नगर वासियों को खुशी थी कि नहीं? कितने लोगों को खुशी थी? जरा हाथ दोनों ऊपर उठाएं। जी, जिसको खुशी थी जब वो अयोध्या लौट कर आए। और मैं तो ये कहूंगा दीदी, अयोध्या वापिस आए हैं, जितनी भी दीदियां आगे बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। कुंडल बोल, सॉरी क्षमा करना, नहीं मैं भरत की बात कर रहा हूं यार, जबरदस्ती कुंडल बोल, मैं भरतेश्वर की बात कर रहा हूं। और दी में लौट रहे थे और पटरानी को जीता था, इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी। कितने लोगों को खुशी हुई थी? और ये सारे राम भाई, हाँ भाई, श्रीमान अनिल जी सेट्टी, और वो कर्नाटक के महाराजा है अनिल। मैंने कहा था कि खड़ी हो जाइएगा, और जब तक थोड़ा सा कार्यक्रम लगा, हम सब राजस्थान में पधार रहे हैं। आज धन घड़ी मम भाग है, दर्शन पावे आज। अरे मन बारे झूमन बारा लाग्या,
मनवारे झूमन वारा ला गया, मनवारे झूमन वारा ला गया, मारो मनले रो मारो हिबले रो मारो मनले रो मारो हिबले रो मारो मनले रो मोरियो नाचे मारा महावीर जी, मारो मनले रो मोरियो नाचे मारा महावीर जी। मनवारे झूमन वारा ला गया, मनवारे झूमन वारा ला गया, मारो मनले रो मारो हिबले रो मारो मनले रो मोरियो नाचे मारा महावीर जी, मारो मनले रो मोरियो नाचे मारा महावीर जी। तालियां सभी तालियां बजाएं। हे प्रभु जी रो रंग खड़ी रो लाग्यो, प्रभु जी रो रंग खड़ी रो लाग्यो। जरा अपना आप लोग दोनों हाथों खोल लीजिएगा, अपने हाथों को जरा उठा के ताली बजाएंगे, बोलिए महावीर भगवान की जय हो। हे प्रभु जी रो रंग खड़ी रो लाग्यो, प्रभु जी रो रंग खड़ी रो लाग्यो, मारो मनले रो मारो मनले रो मारो मनले रो मोड़ो नाचे मारा महावीर जी। अरे हो लाग्यो भगवान रंग खनेड़ो रे, प्रभु जी रो रंग खनेड़ो लाग्यो, प्रभु जी रो रंग खनेड़ो लाग्यो। मैं तो झटपट मैं झटपट मैं झटपट दौड़ो चाल्यो मारा महावीर जी, मैं झटपट दौड़ो चाल्यो मारा महावीर जी। मनवारे झूमन वारा लाग्या, मनवारे झूमन वारा लाग्या, मारो मनले रो मारो हिबले रो मारो मनले रो मोरियो नाचे मारा महावीर जी, मारो मनले रो मोरियो नाचे मारा महावीर। ओ प्रभु जी रे थासू डोर न टूटे, प्रभु जी रे थासू डोर न टूटे, इस जन्म में उस जन्म में सौ जन्म में साथ न छूटे मारा महावीर जी, सौ जन्म में साथ न छूटे मारा महावीर जी, मारा महावीर जी, मारा महावीर जी। आरंभ की जाए, आपके राज्य में नाना प्रकार से लोग यहाँ पधारे हैं, अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक, श्रावस्ती से लेकर शिकरजी तक, और शिकरजी से लेकर अपने पावापुर और चंपापुर तक लोग यहाँ आज पधारे हैं। प्रांतों की बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि जगह से लोग आपके यहाँ आज पधारे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं, सब कह रहे Thank you.
त्यागी तो कोई नहीं, है संतों ने को धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। अच्छा, इस पंडाल में बैठे हुए कितने लोगों को मालूम है वीतरागी होने का अर्थ क्या होता? कम से कम जैनों से तो मेरी उम्मीद है उन्हें मालूम होगा। जिनको मालूम है जरा हाथ उठा दीजिए। महावीर भगवान के समोह शरण में बैठे, झूठे मत उठा दियो। अरे बाप रे, अभी भी 50% से नीचे है आपका परसेंटेज। खैर कोई बात नहीं, जिनका राग और द्वेष पूरी तरह से नष्ट हो चुका वो वीतरागी है। जिनको किसी के अच्छे या बुरे से कोई लेना देना, दुनिया में बहुत से देव हैं जो अच्छे कार्यों का अच्छा फल देते हैं तो बुरे कर्मों की बुरी सजा भी देते हैं, लेकिन केवल वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण के अरिहंत परमेष्ठी उन्हें किसी के अच्छे बुरे से कोई लेना देना। इसीलिए दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं, है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं, है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला मुझे, जैनी कुल परिवार मिला कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, और चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया चीटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, हम जियो और जीने दो का, हम जियो और जीने दो का, संदेश और संस्कार मिला मुझे, जैनी कुल परिवार मिला कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्या कुछ रह कर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, मिथ्या कुछ रह कर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम सबकी एक आम धारणा है कि यदि धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, यदि ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती को मनाइए, यदि शक्ति चाहिए तो दुर्गा का आह्वान कीजिए। अगर कोई कहे कि इन देवी देवताओं से इतना कुछ मिला संसार को, जैन तीर्थंकरों ने दुनिया को क्या दिया, तो मैं कहता हूं कि केवल भारत नहीं पूरा विश्व जिस अर्थव्यवस्था पर आज तक चलता है वो अर्थव्यवस्था ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ने इस दुनिया को दी है। तो मिथ्या कुछ रह कर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं, जिनवर से असीम सी कृषि मिली है, जिनवर से असीम सी कृषि मिली हमें, विद्या शिल्प व्यापार मिला मुझे, जैनी कुल परिवार मिला
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ पांच पापों और चार कषायों को तजने का भाव रहे, जहाँ पांच पापों और चार कषायों को तजने का भाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। भारत नहीं पूरे विश्व में जैन धर्म का ध्वज सबसे ऊपर जिस वजह से है, जिस कारण से है, और जो बात पूरे विश्व ने पिछले 2 सालों में जानी तो है, माने भले नहीं है, जानी तो है, वो ये है, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला, जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार, हरिहंत प्रभु की शरण मिली है, हरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। तो बोलिए विश्व धर्म की, जैन धर्म की, यकीनन आज आप सबके चेहरे देखकर यूं लग रहा है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि आप यहां आकर गौरवान्वित हैं। ये अभिभजन की शुरुआत हुई है। रुपेश जैन एक कलाकार हैं, भजन गाते हैं, लेकिन ओरिजिनल में रुपेश जैन है क्या? बहुत सारे भजन हैं उनके गाए हुए, वो तो सुनाएंगे ही, लेकिन जब जहां जाते हैं, जिस मौके पर पहुंचते हैं, उस मौके पर कोई गीत की रचना और उसे सुनाना, इसलिए रुपेश जैन को हिंदुस्तान में अलग फनकार माना जाता है। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि रुपेश भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें भावना ना हो वो भक्ति सच्ची नहीं लगती, जिसमें भावना ना हो तो भक्ति सच्ची नहीं लगती, श्रावक या श्रोता और रुपेश जी के बीच इतनी दूरी अच्छी नहीं लगती। मैं चाहूंगा, आप लोग भी चाहते हैं तो जरा फोटोग्राफर्स थोड़ा आप साइड हो जाएं, ताकि यहां से वहां तक रुपेश जी पीछे तक पहुंचे, क्योंकि अभी जो रचना सुनाने जा रहे हैं, एक बार वैसे जैन समाज तो एडवांस पेमेंट कर देता है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं इस मंच पर झूठ नहीं कहूंगा, एडवांस में तालियां बजाइए जो रचना आपके सामने रुपेश जी लेकर आ रहे हैं। पहली बार सुनेंगे, इस मंच पर सुनेंगे, और आज ही तैयार की है, इसके एक एक शब्द में आज अपने आप को ढूंढिएगा, इस महावीर जी को ढूंढिएगा, इस महामस्तकाभिषेक को ढूंढिएगा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को ढूंढिएगा, और अपने आचार्य वर्धमान सागर जी को तलाशिएगा। तो आइए, रचनाकार, गीतकार, भजन गायक, एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच रुपेश जैन। हमारे आदरणीय राकेश जी सेठी यहाँ मंचासीन हैं, जब उन्हें आयोजन का मुख्य संयोजक के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ पंक्तियां आपको ऐसी हमें देनी है रिकॉर्ड करके,
जो पूरे भारत वर्ष में आप सभी को कहीं ना कहीं इस महामस्तकाभिषेक से जोड़ सके, तो बस वही पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। और कुछ ऐसे गीत भी हैं जो बने तो आज से बहुत वर्षों पहले थे, लेकिन उनके रचनाकार ऐसे थे कि वो गीत जिस दिन उन्होंने लिखे उस दिन से लेके अनंत समय तक के लिए अमर करके वो चले गए हैं। और उन गीतों को गाए बिना ना तो आज की शाम पूरी हो सकती है, ना ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ना ये महामस्तक अभिषेक पूर्ण हो सकता है। तो उसके पहले मैं कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां अपनी जो मैंने लिखी है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और फिर यहां से एक श्रद्धांजलि के स्वरूप हम दादू की पंक्तियां भी इस मंच से समर्पित करेंगे। मैं जानता हूं आप उन्हें सुनने के लिए जरूर बेताब होंगे। महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। 24 वर्षों बाद प्रभु ने फिर सौभाग्य जगाया है, 24 वर्षों बाद प्रभु ने फिर सौभाग्य जगाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महावीर जी के महावीर। ऐसे नहीं सुना, जितने लोगों को महामहोत्सव में आने का सौभाग्य ऐसा लगता है कि मिला है, आनंद की अनुभूति हो रही है, भक्ति उमड़ रही है, तो ऐसे आनंद नहीं आएगा, ऊर्जा दिखनी चाहिए चेहरों पे भी, तालियों में भी। उठाइए दोनों हाथ, 1 2 3। महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। 24 वर्षों बाद प्रभु ने फिर सौभाग्य जगाया है, 24 वर्षों बाद प्रभु ने फिर सौभाग्य जगाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। जय महावीर, जय महावीर, जय रणपुर के जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, कृष्णानंदन जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, चांदनपुर के जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, कृष्णानंदन जय महावीर। जो छोड़ सकते हैं छोड़िए जरा, हाँ। 1 2 3 ये बात है। गुरुवर्धमान विपदा दक्षिण से उत्तर की ओर गुरुवर ने बिहार रचाया है, दक्षिण से उत्तर की ओर गुरुवर ने बिहार रचाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य। महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है, महामस्तकाभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। आदरणीय राकेश भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो 2 मिनट में मंच पे चाहता हूँ आपको। और जो सम्माननीय कमेटी के सदस्य, देखिए मैं सबको कुछ नाम से परिचित हूँ, कुछ से नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष उन्हें एक बार पुनः यहाँ भक्ति करते हुए देखे इस लाइव टेलीकास्ट में। तो अगर आ सकते हैं तो प्लीज आइए 2 मिनट के लिए। नहीं आ सकते हैं क्या मतलब, 3 प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी पदाधिकारी प्लीज आए 2 मिनट के लिए। महावीर स्वामी भगवान की अनेकों प्रतिमाएं हैं, लेकिन आपका दिल इस प्रतिमा से क्यों जुड़ता है उसका कारण सुनिए।
महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मन हर लेती है। महावीर की मूंगा वर्णी मूरत हर हर लेती है। महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मन हर लेती है। महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मन हर लेती है। साक्षात महावीर प्रभु की झलक दिखाई देती है। साक्षात महावीर प्रभु की झलक दिखाई देती है। ये तीर्थ जगत से न्यारा हमको प्राणों से प्यारा। ये तीर्थ जगत से न्यारा हमको प्राणों से प्यारा। वर्तमान शासन नायक महावीर की हम पर छाया है। वर्तमान शासन नायक महावीर की हम पर छाया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। जय महावीर जय महावीर सुशीलानंदन। अच्छा एक बार जयकार आगे से पीछे तक सभी भक्तों के मुख से निकल जाए जरा। जय महावीर जय महावीर त्रिशिलानंदन। जय महावीर जय महावीर। जो महावीर भगवान के चरणों से प्रेम करता हो जरा उठा लो दोनों हाथ। आज भक्ति भरपूर होनी चाहिए। कल प्रभु का पहला मस्तक अभिषेक है और जयकार एक एक मुख से आनी चाहिए। जय महावीर जय महावीर चांदनपुर के। जय महावीर जय महावीर जय महावीर त्रिशिलानंदन। जय महावीर जय महावीर स्वर्ण रजत कलशों से। स्वर्ण रजत कलशों में जल भर भर के प्रभु का नमन करे। स्वर्ण रजत कलशों में जल भर भर के प्रभु का नमन करे। भव्य पंच कल्याण महोत्सव में पुण्यों का सृजन करे। भव्य पंच कल्याण जागे हैं भाग्य हमारे तीले वाले के द्वारे। जागे हैं भाग्य हमारे तीले वाले के द्वारे। वरदानी महावीर से जिसने जो चाहा वो पाया है। वरदानी महावीर से जिसने जो चाहा वो पाया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महावीर के महावीर जी के महावीर का महा महोत्सव आया है। महावीर जी के महावीर का महा महोत्सव आया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महावीर के महावीर जी के महावीर का महा महोत्सव आया। महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है। अरे महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। महामस्तक अभिषेक प्रभु का महापुण्य से पाया है। जय महावीर जय महावीर चांदनपुर के। जय महावीर जय महावीर जय महावीर त्रिशिलानंदन। जय महावीर जय महावीर जय महावीर चांदनपुर के। जय महावीर जय महावीर जय त्रिशिलानंदन। जय महावीर जय महावीर जय महावीर चांदनपुर के। जय महावीर जय महावीर जय महावीर त्रिशिलानंदन। जय महावीर। ये भक्ति का अंतरिक है और कोई बात नहीं। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। बहुत सुंदर। ऐसे भक्ति आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है पंडाल में आनंद बहुत सुंदर आने वाला है। यकीनन यकीनन सर। अब आप लोग बैठ जाइए प्लीज। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी। बैठ जाएं सब लोग बैठ जाइए। फोटोग्राफर्स भी बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। क्या क्या आनंद। यकीनन अगर आपको ये रचना लगी है कि रूपेश जैन ने ये रचना में अपना लहू अपने प्राण डाले हैं और इस महोत्सव को जीवंत किया है तो एक बार रचनाकार रूपेश जैन के लिए तालियां होनी चाहिए साहब। और उससे ज्यादा तालियां आपके लिए होनी चाहिए कि आपने इस रचना के साथ जो भक्ति की है यकीनन उसने दिखा दिया है कि आप तन से मन से और धन से सभी से महावीर जी ओरिजिनल में आए हैं। एक बार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए सच में। तो आइए ये अच्छा माहौल अभी बताइए कि कितने लोगों को प्रभु महावीर स्वामी का ये दर प्राणों से प्यारा। कितने दरबार चाहते हैं।
वाह वाह बोल अतिशय क्षेत्र महावीर जी की। यार रुपेश जी एक बात तो सही है, दुनिया में हजारों प्रोग्राम किए हैं आपने भी हमने भी, लेकिन यकीनन ऐसे भक्त और ऐसे श्रोता पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखे जो यहाँ पर आज देखे हैं। यकीन से ये चमत्कार इस क्षेत्र का है, मतलब ये श्रोता ऐसे हैं इनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहूंगा कि एक बार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हम लोगों के लिए जो होती है ना वो ये माइक और साउंड होता है, एक बार भैया के लिए तालियां बजाइए, एक्सीलेंट साउंड, हरी भाई के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू मनीष भैया, हमारे हमारे दिलों की धड़कन। तो मैं कह रहा था कि जितने लोगों को प्रभु का डर चाहिए उनके लिए कुछ पंक्तियां गानी है, मुझे सुनिए जरा। केवल एक अंतरा सुनाऊंगा, उसके बाद मुझे वो गीत आप तक पहुंचाने हैं जिनकी यादें ताजा करना आज बहुत जरूरी है। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए के टूटे ना कभी भी फिर ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, ओ टीले वाले वीर तुमसे वर चाहिए, ये दर चाहिए। चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए, ये टूटे ना कभी भी फिर ये सिलसिला, ये टूटे ना कभी भी फिर ये सिलसिला, ओ टीले वाले वीर तुमसे दर चाहिए, ये वर चाहिए। और जाए कहाँ, जाए कहाँ, तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ, जाए कहाँ, कि फरियाद अपनी सुनाए कहाँ, सुनाए कहाँ, कि फरियाद अपनी सुनाए कहाँ, सुनाए कहाँ, कि जो कुछ मिला है चाहे कोई मगर तू सुने, सुने ना चाहे कोई मगर तू सुने, दुआओं में ऐसा असर चाहिए, ये दर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। भगवन कुछ ऐसी लगन, कुछ ऐसी लगन, लगी तुमसे भगवन कुछ ऐसी लगन, कुछ ऐसी लगन, तेरा नाम ले ले
के रहते मगन, रहते मगन तेरा नाम ले लेके रहते मगन, रहते मगन। क्या व्यापार परिवार क्या जिंदगी, क्या व्यापार परिवार क्या जिंदगी, है सब पे तेरा ही करम, है सब पे तेरा ही करम। ये जिस पे तू हमेशा मेरे संग संग चले, ये जिस पे तू हमेशा मेरे संग संग चले, ओ जीवन की ऐसी डगर चाहिए, ये दर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। तिजोरी में दौलत मिले ना मिले, मिले ना मिले, अब बोलो, तिजोरी में दौलत मिले ना मिले, मुझे शानो शौकत मिले ना मिले, तिजोरी में दौलत मिले ना मिले, मिले ना मिले, मुझे शानो शौकत मिले ना मिले, मिले ना मिले, रहूं बन के सेवक तेरा उम्र भर, रहूं बन के सेवक तेरा उम्र भर, मुझे कोई शोहरत मिले ना मिले, मुझे कोई शोहरत मिले ना मिले, के तेरे ही भरोसे पे जो कटता रहे, के तेरे ही भरोसे पे जो कटता रहे, ओ जीवन का ऐसा सफर चाहिए, ये दर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। कभी लड़खड़ाए अगर ये कदम, अगर ये कदम, कभी लड़खड़ाए अगर ये कदम, अगर ये कदम, सताए कभी गर जमाने के गम, जमाने के गम, तेरा एक सहारा अगर मिल गया, तेरा एक सहारा अगर मिल गया, पल में संभल जाए हम, गिरे भी तो पल में संभल जाए, के चाहे साथ छोड़े जमाना प्रभु, के चाहे साथ छोड़े जमाना प्रभु, तेरा हाथ बस शीश पर चाहिए, ये दर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, कव्वाली आपने की, दो लाइनें मैं सुना देता हूं कव्वाली की। ये तेरा खोटा ससिका, ये तेरा खोटा ससिका, चल पड़ा तेरे नाम से, ये तेरा खोटा ससिका, चल पड़ा तेरे नाम, जग में मिल गई पहचान, जग में बस तेरे गुण गान से, ये तेरा खोटा ससिका, चल
चल पड़ा तेरे नाम से। बोले दिले वाले बाबा की। चलिए एक ऐसा गीत है, मुझे लगता है जिस दिन से दादू ने वो गीत लिखा है गाया है, अगर कभी महावीर भगवान का स्मरण मात्र भी आपने किया हो, उस गीत की छवि आपके दिल में ना आई हो, दिमाग में ना आई हो, ऐसा संभव नहीं है। दादू हमारे बीच में जरूर अब नहीं है, लेकिन जो वो जैन धर्म को, जैन शासन को, समाज को देकर गए हैं, उसे युगों युगों तक संभालने की जरूरत है। ये पंक्तियां मैं गाऊं इसके पहले मैं चाहता हूं कि स्वर्गीय पद्मश्री दादू रविंद्र जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब उतनी श्रद्धा से ये पंक्तियां सुनिए जितनी श्रद्धा से उन्होंने लिखी, और जितनी भावना से मैं प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में ये पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। हमारे राकेश भैया ने कुछ पंक्तियां गाने की मुझे एक कह लीजिए उनकी भावना है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में। पूरी जो वर्किंग कमेटी है, जो पूरे सदस्य महीनों से, बल्कि कहूं वर्षों से इस महोत्सव को सानंद सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उन सबकी जो भावना है वो मैं थोड़ी देर में आप तक पहुंचाता हूं। उसके पहले महावीर स्वामी भगवान के चरणों में ये पंक्तियां सुन लें। एफ माइनर। पीड़ित विश्वरा महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्वरा महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की, पापों के दल दल में फंस कर धर्म सिसकता है, पापों के दल दल में फंस कर धर्म सिसकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा के बादल छाए संसार पर, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर, नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर, ओ महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। प्रभु को भक्ति भाव की डोर से,
करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से, बीत रागी व्यथितों के दुख पर ध्यान दे, हमको करे कृतार्थ कृपा की कोर से, ओ प्रभु के नैनों से करुणा का नीर छलकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्धमान के आदर्शों पर ध्यान दो, हित उपदेशों को अंतर में स्थान दो, तुम जिनके वंशज जिनकी संतान हो, होकर एक उन्हें पूरा सम्मान दो, ओ मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, पापों के दल दल में फंसकर धर्म से सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जितने लोगों ने गीत कभी सुना हो, आज मेरे लिए नहीं गानी, आपको दादू के लिए एक पंक्ति गा दीजिए बस। हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को आवश्यकता है, वह आए तो हर संकट से त्राण हो, अभय सुरक्षित सर्व सुखी हर प्राण हो, जियो और जीने दो के महामंत्र से, विश्व शांति पाए सबका कल्याण हो, ओ प्रभु की मृदुवाणी में आध्यात्मिक मादकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जय महावीर, जय वर्धमान, जय महावीर, जय वर्धमान। ये महावीर स्वामी भगवान की जय। बहुत सुंदर, दो पंक्तियां और, अब पूरा गीत आपको नहीं सुनाऊंगा, जरा एक बार लगाई, जरा एफ माइनर लगाई। एक नोट बढ़ा दे, हो गर्भ जन्म कल्याण शुभ शुभ तप केवल ज्ञान अक्षय पद निर्वाण शुभ पाए बना भगवान तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे तेरे प...
पांच हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे गर्भ समय में रतन जो परसे उनमें से एक रतन नहीं चाहूं उनमें से एक रतन नहीं चाहूं जन्म समय शिरोदधि से इंद्रों ने किया वो नभन नहीं चाहूं क्या चाहूं चाहूं सुन ले जो चित को निर्मल शांत करे जो चित को निर्मल शांत करे वही कल ढोलक मुझ दान कर दे तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे धार दिगंबर वेश किया तप तप कर विषय विकार को त्यागा सार नहीं संसार में कोई इसीलिए संसार को त्यागा क्या चाहूं सुन ले मैं क्या चाहूं सुन ले सुन ले सुन ले अपने लिए वर्षों ध्यान किया रे अपने लिए बरसों ध्यान किया मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे ज्ञान की मिल गई ज्योति लोकालोक दिखाने वाली लोकालोक दिखाने वाली समव शरण में खिल गई वाणी सबकी समझ में आने वाली क्या चाहो रागी सर्वज्ञ प्रभु हे वीत रागी सर्वज्ञ प्रभु मुझ मेरा तरस आसान कर दे मुझे मेरा तरस आसान कर दे तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण
कल्याण कर दे। बनकर तू प्रगटा स्वाभाविक थी मुक्ति तेरी, मुक्ति मुझको दे तब देना, भव भव की दे भक्ति तेरी, क्या चाहो सुन ले, मैं क्या चाहो सुन ले, सुन ले सुन ले, निस दिन तेरे गुणगान करूं, निस दिन तेरे गुणगान करूं, बस इतना ही भगवान कर दे, अभी इतना ही भगवान कर दे। यहाँ कौन है ऐसा तेरे सिवा, औरों को जो अपने समान कर दे, औरों को जो अपने समान कर दे, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, हो एक बार मेरा कल्याण कर दे, हो एक बार मेरा कल्याण कर दे। बजा लीजिए एक बार, दिल से तालियां बजा लीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे पता है कि ये तालियां आपके दिल से निकल रही है, और मैं यकीन से इस महावीर जी की धरती पर खड़े होकर आज रुपेश जी के साथ वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन आज मैं कहता हूं रुपेश जी कि स्वर्ग लोक में रविंद्र जैन साहब भी आज वहां से आशीर्वाद बरसा रहे होंगे, क्योंकि रविंद्र जैन दादा की ये रचना बहुत लोग गाते हैं, लेकिन आज आज इस मंच पर जिस अंदाज से इस रचना को रुपेश जैन ने गाया है, यकीनन इस रचना के साथ अगर न्याय किया है दादा रविंद्र जैन जी के बाद, तो आज रुपेश जैन जी ने किया है। अगर मेरी बात गलत है तो आपकी तालियां रुक जाना चाहिए, वरना मोहर आपकी लगनी चाहिए।